इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला है, भारत में प्रशासनिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सर्वप्रथम बिल 1911 ईस्वी में अस्वीकृत हो गया था। और दूसरा है कि यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला बिल, ये लेके आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था 9 मई 1866 को और 19 फरवरी 1915 को उनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 48 वर्ष की उम्र में। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1911 में नहीं आया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लाया गया था। यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता, ये ऐसा अंग्रेजों का विचार था। तो दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रस्ताव पेश किया तथा ब्रिटिश सरकार ने जो है उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। परिणाम स्वरूप गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, किंतु बाद में सरकार ने गोखले के अंतिम प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के अधीन स्थापित किया गया तथा सचिव की नियुक्ति हुई। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का रिकॉर्ड जो है प्रकाशित होने लग गया, किंतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा उपेक्षित रहा, यानी सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था और इसका कारण दिया गया है कि क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग ही सम्मिलित थे। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। क्रिप्स प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग सम्मिलित थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि वह भारत के मामलों पर तत्काल नियंत्रण की मांग कर रही थी। तो इसलिए नहीं किया था कि उसमें श्वेत लोग थे, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि क्रिप्स मिशन में भारत के मामलों पर तत्काल नियंत्रण की मांग करने की बात थी। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी कमीशन में पूर्ण रूप से अगर श्वेत लोग होने की वजह से उसका विरोध किया गया, तो वो था साइमन कमीशन। कांग्रेस युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने तक इंतजार करने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस को यह पता भी था कि सरकार का भारत पर नियंत्रण गिर रहा है तथा वह सरकार पर दबाव डालना चाह रही थी। साथ ही कांग्रेस प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों से संतुष्ट नहीं थी, यानी जो क्रिप्स मिशन में जो प्रस्ताव थे उनसे कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। क्रिप्स मिशन में केवल श्वेत लोग ही सम्मिलित थे, ये 4 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड कमीशन, लॉर्ड पिरवेसिल, हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता तथा वॉर कैबिनेट का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, तो क्या ये कथन सही है। बिल्कुल सही है ये कथन और इसका कारण दिया गया है कि चोरा चोरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि चोरा चोरी घटना होने के कारण ही 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किया, ये सफलतापूर्वक 1920 से फरवरी 1922 तक चला, परंतु 5 फरवरी 1922 को गुस्से में आए किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर स्थित पुलिस थाने पर हमले से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने इसी बीच जो है असहयोग आंदोलन को रोकने का आदेश दे दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वह था विदेश विभाग, गृह विभाग या वित्त विभाग या रक्षा विभाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त विभाग। 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। लीग के इसमें शामिल होने के बाद लीग के दूसरे बड़े नेता लियाकत अली खान वित्त मंत्री नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई थी क्योंकि, हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है देश के विभाजन के लिए क्यों जो है सहमत हो गई थी, इसका कारण हमें बताना है। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। उन्हें तब द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। सी है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से जो है बचना चाहते थे। और डी है, भारत संविधान स्वाधीनता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगा फैलने से रोकने के लिए सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए सहमत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो हमें बताना है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पे थे, कांग्रेस के महासचिव थे, अध्यक्ष थे या सदस्य नहीं थे या उसकी कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस का निर्माण किस लिए हुआ है, भारत की आजादी के लिए, और भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी है तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि इसका गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हुआ था, अतः स्वाधीनता मिलने पर उन्होंने कांग्रेस सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, किसने किया था? खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। क्रांतिकारियों की गुप्त समिति अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, वर्ष 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वर्ष 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट या वर्ष 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या वर्ष 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो कौन सा एक्ट है जो सबसे कम समय तक चला था? तो जो 1861 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट वो 1892 तक यानी कितने वर्ष चला? लगभग 31 वर्ष। उसके बाद में आया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट और ये कब तक चला था? 1909 तक। तो ये कितने वर्ष तक हो जाएगा? 17 वर्ष तक। और फिर 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था वो कब चला था? 10 वर्ष। 1919 तक चला था, 1909 से 1919 तक। और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बाद कौन सा एक्ट आया था? 1935 का। तो ये कितने वर्ष चला था? ये लगभग 16 वर्ष। तो इसमें हमें पूछा गया है कि सबसे कम समय तक कौन सा चला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो केवल 10 वर्षों तक चला था, 1909 से 1919 तक। 1861 का इंडियन एक्ट 31 वर्ष, 1892 का 17 वर्ष, 1909 का 10 वर्ष और 1919 का 16 वर्ष। इसके बाद कौन सा आया था? 1935 का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था, उपरोक्त उदाहरण का संबंध है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जिसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। तो साइमन कमीशन ये तो बिल्कुल नहीं था, गांधी इरविन पैक्ट में भी ऐसा नहीं था, क्रिप्स मिशन में नहीं था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन में। कब आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1940 को दिल्ली पहुंचा था ये 1940 में 24 मार्च को। और इसने अपना प्रस्ताव कब जारी किया था? मई 1940 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 को दिल्ली पहुंचा। इसने अपना प्रस्ताव मई 1940 में प्रस्तुत किया। इसने भारत विभाजन को नकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? सी राजगोपालाचारी ने, एम ए जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को किसने एक अवसर के रूप में देखा कि इसमें भारतीय जो है लाभ उठा सकते हैं और वो आजादी प्राप्त कर सकते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जर्मनी और ब्रिटेन में जो युद्ध चल रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध में फंसे इंग्लैंड की स्थिति का फायदा उठाकर भारत को आजाद कराने का रास्ता सुझाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार पटेल। कैबिनेट मिशन में जो है मई 1940 में अपनी योजना प्रस्तुत की, सरदार पटेल इस योजना के पूरे पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो कौन भारतीय था जिसने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दो बार जो है सिविल सर्विस की परीक्षा को पास किया था। पहले किया था 1869 में, दूसरा 1874 में, और दोनों बार ही इन्हें बर्खास्त किया गया था। पहली बार किया था आयु के मतभेद को लेकर और दूसरी बार जातीय भेदभाव को लेकर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु सही आयु में मतभेद के कारण उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा इस मामले को हरी झंडी देने के बाद 1874 में उन्होंने पुनः इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया तथा सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हुए। यद्यपि जल्द ही बनर्जी को उनके पद से जातीय भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था, तो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन बी है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव के लिए, ऑप्शन सी है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए? तो किस लिए किया जा रहा था? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है। इंपीरियल प्रेफरेंस यानी शाही वरीयता देना। दूसरे देशों से आए हुए माल की अपेक्षा जो ब्रिटिश से जो माल आता था ना, उस माल पर
कम कर लगाना, यानी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, यानी ब्रिटिश से जो सामान आता था उस पर टैक्स में बहुत ज्यादा रियायत दी जाती थी बाकी देशों से आने वाले सामान की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 ईस्वी के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, और कारण दिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो हमें बताना है कि क्या ये दोनों सही है या गलत है। पहला, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों अलग अलग सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। इस क्रांति ने स्वतंत्रता की मांग को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें संपूर्ण देश ने व्यापक रूप से हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, असहयोग आंदोलन, रोलेट आंदोलन, चंपारण आंदोलन या दांडी यात्रा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन, 1917 में हुआ था ये। गांधी जी का प्रथम साहसिक कदम चंपारण आंदोलन था, इसका प्रारंभ 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा जो है समाप्त हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति समाप्त हो गई। 1905 के बाद कांग्रेस से नरम दल का प्रभाव कम हो गया था तथा तिलक के नेतृत्व में क्रांतिकारी विचारधारा का विस्तार हुआ। ये विचारधारा ब्रिटिश शासन से प्रार्थना या याचिका के द्वारा किसी मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं समाचार पत्र, तो हमें बताना है कि इनका संचालन कौन कौन कर रहा था। तो वंदे मातरम, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द तलवार और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जो है 1914 में हमारे सामने आया था, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, और किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और तलवार, पहले इसे मंदस के नाम से जाना जाता था और बाद में ये तलवार नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और ये कहाँ पे प्रकाशित होता था, यूरोप में, और इसको मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र के संपादक, और अरविंद घोष वंदे मातरम से। बी का 3, सी का 4 और डी का 1। सही सुमेलन इस प्रकार है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैडम भिकाजी कामा द तलवार से, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से, और अरविंद घोष वंदे मातरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिसन ने इस कथन का संबंध है, मतलब इस कथन का वर्णन किया है।
एचिसन ने कौन से आंदोलन के लिए कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बिड़ा नहीं पाए। 1857 का विप्लव, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, या फिर 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खिलाफत और असहयोग आंदोलन, उसके बारे में एचिसन ने ये शब्द कहे थे। यह कथन खिलाफत और असहयोग आंदोलन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने खिलाफत और असहयोग का जो आंदोलन थे उन दोनों को संगठित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, या फिर अखिल भारतीय, एक अखिल भारतीय संघ। कौन सा इसमें से जो है 1935 के अधिनियम से संबंधित नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन। ये 1935 के अधिनियम में नहीं होकर कब था? 1919 के अधिनियम में। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई थी। 1919 अधिनियम में द्वैध शासन केंद्र के साथ साथ प्रांतों में भी लागू कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई थी, जापान में, तत्कालीन वर्मा में, सिंगापुर में, या तत्कालीन मलाया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया से जापान द्वारा एकत्रित लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की थी। प्रारंभ में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया जो जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।